आप सभी जानते हैं कि हम इस अंतिम दिनों में जी रहे हैं। बहुत जल्द प्रभु आएंगे और वो उन लोगों को जो उसके साथ चलते हैं वो उन्हें ले जाएंगे। लेकिन जब तक वो आए तब तक हमें अपनी तैयारी पूरी करनी है, हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहना है, दुआ करते रहना है और हमें उसके साथ जुड़ने की बहुत ज़रूरत है। बाइबल पढ़ने के बाद आप ज़रूर यूट्यूब पर जाते होंगे और आप YouTube पे अलग अलग दासों के संदेश सुनते रहेंगे। कुछ इंडियंस होंगे, कुछ अब्रॉड से होंगे। आप जानते हैं यीशु ने क्या कहा कि अंतिम दिनों में बहुत सारे लोग आएंगे जो आपको उसका नाम लेकर आपको तरह तरह की बातों से आपको बरमा सकते हैं। वो क्या आप इन दिनों में ये जानना चाहते हो कि कौन से वो लोग होते हैं जो भले ही उनके मुंह पे यीशु का नाम रहता है लेकिन उनकी जो शिक्षाएं हैं वो बाइबल के बेस पर नहीं है। सबसे पहले मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, कहीं आप इन दिनों में ऐसे लोगों को तो नहीं सुन रहे हो जो आपके चरित्र के बारे में बात नहीं करते हैं पर आपको क्या क्या मिलेगा इसके बारे में बात करते हैं? कहीं आप ऐसे लोगों से तो नहीं मिल रहे हो जो आपको बाइबल के वचनों से प्रतिज्ञाएं दे रहे हैं कि आपका कभी खराब नहीं होगा, हमेशा आपका भला होगा और वो आपके ऊपर ऐसी प्रोफेसीज करते हैं जो एक्चुअली आपको पसंद है? कहीं आप ऐसे लोगों से तो नहीं जुड़े हुए हो यूट्यूब पे जिनकी टीचिंग्स सिर्फ आपको प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जा रही है पर मसीह की तरफ नहीं? मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, कब आपने आखिरी बार पूरा एक घंटा एक ही विषय पर पूरा संदेश सुना था कि आपको अपने घर के प्राचीनों की इज्जत करनी है, अपने मां बाप की इज्जत करनी है? आज देखिए बहुत सारे जो जवान हैं पबजी खेलते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ लोग तो इतनी आत्मा में नीचे गिर गए हैं कि वो तीन पत्ती जैसी गेम्स खेलते हैं, पबजी खेलते हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं वो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इन दिनों में प्रॉस्पेरिटी के लिए तो बहुत कुछ आप सुनते हैं पर जब माँ बाप आप जवानों को कहते हैं कि देर रात तक इतना सब मत करो तो क्या आप उनकी सुनते हैं? आप नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि आप ऐसे संदेशों को नहीं सुनते जो आपको सामने कह पाए कि मां बाप का आदर करो। लास्ट टाइम आप में से कब लोगों ने यह संदेश सुना था कि पैसों का प्रेम सब प्रकार की बुराई की जड़ है? मैं ऐसे बहुत सारी फैमिलीज को जानता हूं कि जब वो तकलीफ में थे तो वो खुदा के पास आए थे लेकिन जब बिजनेस परमेश्वर ने उनको उनके बिजनेस को ग्रो किया अब घर का एक सदस्य आ रहा है लेकिन दो गायब हैं, वो काम में व्यस्त हैं। और क्यों? क्योंकि अब पैसा ही सब कुछ हो गया है। लास्ट टाइम आपने कब ये पूरा संदेश सुना था कि बच्चे को गिराना, मिसकैरेज सॉरी अबॉर्शन करवाना एक पाप है? मुझे बताइए, आज कितने सारे लोग हैं शादी से पहले ही वो सब कुछ कर लेते हैं और उसके बाद बच्चे को खत्म कर देते हैं, ये मर्डर है। कब आपने आखिरी बार ये पूरा संदेश सुना था कि शादी से पहले लड़के और लड़की का एक साथ रहना पाप है? मैं आपको बताता हूं ये पूरा वेस्टर्न कल्चर आज बहुत सारे जगहों पे अपनाया जा रहा है। बहुत सारे जगहों पे लड़का लड़के से शादी कर रहा है, लड़कियां लड़कियों से शादी कर रही हैं और आप देखिए कुछ लोग तो जिन्होंने अपने बदन के कुछ हिस्से बदलवा दिए हैं, लड़के लड़कियां हो गई हैं, लड़कियां लड़के हो गए हैं। क्या आपको आपने इन चीजों के बारे में सुना है? झूठे नबी कभी भी आपको आपके पाप के विषय में नहीं बताएंगे पर प्रॉब्लम यह है कि उनको आपका पैसा चाहिए, उनको आपके साथ एक पार्टनरशिप चाहिए, इसीलिए वो आपको हमेशा वही बातें कहेंगे जो बातें आपको पसंद हैं। लेकिन एक सच्चा व्यक्ति आपको मुंह पे आपकी गलती बताएगा चाहे आप उसके बाद उससे संबंध रखो या न रखो, ये उसके ये आपके ऊपर है। कब आपने आखिरी बार ये पूरा संदेश सुना था कि झूठ बोलना एक गुनाह है? जरा सोचिए, यीशु ने कहा हाय तुम पर जब लोग तुम्हें अच्छा कहें लेकिन धन्य हो तुम जब तुम मेरे कारण सताए जाओ। कभी कभी जब आप देखिए कई लोग सोचते हैं कि मैं जहां पर हूं मैं सही जगह पर हूं। मैं आप में से किसी भी व्यक्ति को इस पुलपिट से कंडेम करने के लिए नहीं आया हूं कि आप गलत हो पर मैं आपको पूछना चाहता हूं जिसको भी आप सुन रहे हो, जिसका भी आप आदर कर रहे हो, क्या उनकी टीचिंग्स बिब्लिकल हैं? क्या वो परमेश्वर के वचन से बात कर रहे हैं? जरा सोचिए,
एक ऐसे लोग होते हैं मसीहत के अंदर जो बिल्कुल वर्ल्डली होते हैं, जो हर काम खुलेआम करते हैं, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो वर्ल्डली नहीं है, पूरी तरह से प्रभु के वचन में है, लेकिन वो परमेश्वर के वचन को लेकर मसीहों को कंडेम करते रहते हैं। एक लीगलिस्ट राइचियसनेस है उनके पास, जैसे फरीसी जब देखते थे जब यीशु मसीह को कि वो सबत के दिन काम कर रहा है, उनको खुद को सबत का अर्थ नहीं पता था, लेकिन वो जीसस को कंडेम करते थे। कई लोग आपको इन दिनों में ऐसे मिलेंगे कि वो आपके अंदर कुछ देखेंगे और वो आपको कंडेम करेंगे। चलिए मैं आपको एक सिंपल चीज बता रहा हूं, अगर मैं बाइबल की एक आयत पढ़ रहा हूं और मैं नंबर गलत बता दिया, मैंने आपको ये वचन समझिए, मैं आपको जो बता रहा हूं ये कुरिन्थियों के इस अध्याय में इसमें लिखा है, लेकिन मैंने गलती से कोई दूसरा अध्याय का आपको मैंने नंबर दे दिया, तो क्या आप मेरी गलती को लेकर क्या आप मेरे कैरेक्टर को जज करेंगे? जरा सोचिए। लीगलिस्ट लोग ऐसे रहेंगे जिनकी धार्मिकता समय की धार्मिकता है, वो आपकी एक गलती को पकड़ के आपके पूरे चरित्र को जज करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक होते हैं वर्ल्डली और एक होते हैं लीगलिस्ट। मेरे भाइयों बहनों, ये दोनों मत बनना आप मसीह की तरह बनना। और मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जब भी आप यूट्यूब खोलें, मैं विनती करता हूं आप ऐसे लोगों को सुने जो आपके चरित्र के बारे में बात करें, जो आपके प्योरिटी के लिए बात करें, जो सैंक्टिफिकेशन के लिए बात करें कि कैसे शुद्ध होना जाता है, कैसे खुदा के साथ चला जाता है, कैसे उसकी आवाज सुनी जाती है, कैसे उसकी बड़ाई की जाती है, कैसे डिफिकल्ट टाइम्स में भी उसके साथ फेथफुल बना जा सकता है। यही वो लोग हैं जिनको परमेश्वर ने इस अंतिम समय में खड़ा किया है, क्योंकि इन दिनों में बहुत सारे जो लोग हैं वो सेल्फ मेड मिनिस्ट्री कर रहे हैं, खुद की बनाई हुई सेवकाई, खुद के बनाए हुए रूल्स हैं उनके। पर बाइबल बताती है यह पद तब तक नहीं मिलता जब तक हारून के समान ऊपर से न मिले, जब तक आपको परमेश्वर न दे। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं इन दिनों में, जिस किसी को भी आप सुन रहे हो, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर आपको लगता है कि यह व्यक्ति बाइबल में से बात नहीं करता, ये आदमी लोगों को खुश करने की बात कर रहा है, तो मैं आपको कहूंगा बी केयरफुल, ये आखिरी दिन है।